उतर गया। ये यहाँ से काफी दूर है लेकिन देख सकते हैं आप यहाँ से नजारा भी। ये इस टाइम तकरीबन कितनी दूर होगा? अस्सलाम वालेकुम, सजरत वली मदरसे लिखे हाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला के शुक्र के साथ आज ये करते हैं जी व्लॉग स्टार्ट। तो अभी जी मैं आया हुआ था अब्दुल्ला शाह गाजी मैदान पे, इधर है जी पार्किंग का एरिया और भाई भी आए हुए हैं मेरे साथ, रिजवान भाई और मुजम्मल भाई। मैंने कबूतर देखे तो मैंने कहा यार इधर से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए एक ही कलर के कितने प्यारे माशाल्लाह कबूतर, पकड़ लो मुजम्मल भाई, उड़ गए उड़ गए उड़ गए उड़ गए। ये जी अब हम अब्दुल्ला गाजी मज़ार में एंट्री हो रहे हैं। एंट्री होते ही आगे ये शॉप्स वगैरह हैं, उसके बाद इधर से है जी एंट्री पॉइंट। इधर ये है सिंगल सिंगल बंदे की एंट्री। और अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह एंट्री हो गई है, अभी हम जा रहे हैं जी मज़ार की जानब। तो ये देखें ये नीचे रखे हुए हैं जी, उधर से जी एंट्री हो गई, अभी हम जी ऊपर चलते हैं मज़ार की तरफ। माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। और इधर जी अब हम जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सीढ़ियों वगैरह चढ़ के ऊपर आ गए हैं। तो अभी जी ये देख सकते हैं आप, इधर बाबा जी भी बैठे हुए हैं। तो अंदर है दरबार का एरिया, इधर सारे जो है मज़ार पे आए हैं। ये जी अभी हम दरबार में इंटर हो गए हैं माशाल्लाह। इधर सारे जी लोग बैठे हुए हैं ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह सलाम वगैरह कर लिया था, दुआ वगैरह भी मांग ली है। तो अंदर उन्होंने वीडियो नहीं बनाने दी जिसकी वजह से जी अब हम ऊपर आ गए हैं। तो इधर जी थोड़े थोड़े धूप भी है कर जी मुजम्मल भाई और इस्माइल भाई खड़े हुए हैं। वो है सामने पार्क, क्या पार्क का नाम है? ये है जी क्लिफ्टन पार्क बिन कासिम। और इधर है जी कराची सारे बिल्डिंग है और वो मेरे मस्जिद है ना माशाल्लाह कितनी खूबसूरत मस्जिद है। और इधर आप देख रहे हैं सबसे कराची की ऊंची बिल्डिंग आईफोन टावर। और इधर देखिए जी बच्चे लड़ रहे हैं। और इधर है जी सारा ये मज़ार का एरिया और जी क्रिकेट ग्राउंड है उधर। यार इधर हवा भी चल रही है और इतना अचानक से जब भी हवा रुकती है ना आबस होता है और इतनी वो है ना गर्मी लग रही है। और वो नीचे कितनी गहराई है। तो अभी जी पिक्स वगैरह भी ले ली हैं और हवा इधर ठंडी ठंडी हवा भी चलने लग गई है। तो बाकी आपको इस सामने इतने एरिए हैं वो भाई आपको बताएंगे। कौन सी जगह है ये सामने आपको सी वी ओ भी यहाँ से नज़र आ रहा है, पार्क भी है और सामने जो लांचे खड़ी है ये है मेनोड़ा की लांचे, ये वाला की जी। ये यहाँ से काफ़ी दूर है लेकिन देख सकते हैं आप यहाँ से नज़ारा भी। ये इस टाइम तकरीबन कितनी दूर होगा? होगा 5 से 6 किलोमीटर, 5 से 8 किलोमीटर वो दूर है और मोबाइल में कितना नज़दीक है। तो मज़ार के अंदर आ गए, उधर पंखे वगैरह भी चल रहे हैं इधर सारे जायरीन में आए बैठे हुए हैं। वो उधर मज़ार है, लोग सलाम कर रहे हैं। तो बाकी इधर आप देख सकते हैं सब लोग इधर बैठे हुए हैं। हम मज़ार में चल चल के थक गए थे तो अभी इधर ही आके बैठे हैं। तो बिल्कुल सामने हमारे मज़ार है तो सभी तो ज़्यारत कर रहे हैं माशाल्लाह। बुलंदी पे खड़े हुए हैं ये देख सकते हैं आप, देख सकते हैं आप ये सारी नीचे सीढ़ियाँ उतरनी हैं चोट नीचे। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी ऊपर से वापस आ गए हैं नीचे। तो अभी हम जा रहे हैं जी साइडों पे और कहीं, और बहुत सारे लोग इतनी गर्मी भी आ रहे हैं। तो
है, आमिर लियाकत की भी यहाँ पे। इधर ही है? आमिर लियाकत की यहाँ पे अंदर है। चलो आओ चलते हैं। मोहम्मद उमर शरीफ की आमिर लियाकत की कब्र और उनकी वालदा की, ये आप पढ़ सकते हैं नाम। तो अंदर जाना अलाउड नहीं है क्योंकि ये उन्होंने बंद किया हुआ, ताला लगाया हुआ है। इधर ये कब्रें हैं, इधर टोटल कब्रें हैं, कब्रिस्तान बना हुआ है। और इधर से फिर जाने का रास्ता है, जो सियासतदान या जो फेमस शख्सियात हैं तो उनके उनकी कब्रें जी इधर ही बनाई जाती हैं। तो इधर ये वापसी जाते हुए ये रास्ते में भी कब्रें हैं। इधर ये हमारी चप्पलों का टोकन रिजवान भाई के हाथ में है। उधर तो रश लग गया यार, जल्दी चप्पलें लो, पाँव सड़ गए। इधर जी मीडिया वाले आए हुए हैं और फुल कवरेज भी दे रहे हैं। और फाइनली जी मज़ार से हो रही है, तो अभी हम चलते हैं जी बाहर। बाहर जाके मेरा गला भी बहुत खुश्क हो रहा है और प्याज इतनी लग रही है ना, गर्मी लग गई है। तो इस विलाग को इधर ही मैं कर रहा हूँ जी बंद, और हिम्मत नहीं है विलाग बनाने की, चाहे छोटा सा बनेगा लेकिन आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी फ्रेश होके फिर आपको नए विलाग के साथ मिलते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा विलाग अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।